जिधर डैश रहता है उधर माइनस रहता है, यहाँ वाई डैश तो माइनस में है, वाई है तो प्लस में है। एक खाड़ा वाला को ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। यस सर। और बेड़िया वालों को क्षैतिज, बेड़िया वालों को क्षैतिज। अगर यहाँ पर देखे अक्ष डैश यहाँ पर वो और यह है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ मच अपना कार्सिया तल में एक्स को एक्स डैश क्षैतिज है, क्या है? क्षैतिज तल है, कौन है? क्षैतिज तल है, यस सर। ऐसे बनिया वाला, यस सर। और वाई ओ वाई डैश, देखो वाई ओ वाई डैश क्या है? उदग्र या ऊर्ध्वाधर, ऐसा जो है प्रथम पाद होता है कौन सा? और हमेशा पहले यक्ष का मान, किसका मान? पहले यक्ष का, उसके बाद वाई का। याद रखिएगा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इसीलिए यक्ष यक्ष रहेगा, यानी प्लस में भी यक्ष का मान और वाई का मान भी प्लस में रहेगा। कौन पाद में? जीव जीव पर देखिए हाल चाल, ये देखिए डैश लगा है, पहले एक्स का मान लेते हो तो एक्स हाल बुरा ना है जी, माइनस में है पहला पद, मतलब पहला मान माइनस में है भुज, और वाई कोटि जो है प्लस में रहेगी, देख लो। दूसरा पद में भुज माइनस में है, कोटि प्लस में, प्रथम पद में भुज प्लस में और कोटि भी प्लस में। तृतीय पद में देखो, तृतीय पद में दोनों का तमाम, यानी भुज भी माइनस में और कोटि भी माइनस में। चलिए चतुर्थ पद में भुज का मान प्लस और कोटि का मान माइनस, इसलिए कहा था यहाँ कार्तिक तल में, यहाँ देखो यक्ष ओ एक्स देखो क्या है, क्षैतिज तल, बढ़िया। कार्तीय तल में, कार्तीय तल में मूल बिंदु कौन बोलो? मूल बिंदु का मान 0-0 होता है, क्योंकि यक्ष तो वाई का मान 0-0 देख लो, इधर से यक्ष इधर से वाई तो दोनों लाइनें पर है, 0-0 होता है, कितना होता है? 0-0 होता है। उसके बाद एक पॉइंट नोट कर लेना, उसके बाद कार्तीय तल में और भी पॉइंट बच्चा, जैसे मान लीजिए बोलेगा कि जो ओ बिंदु है यक्ष का मान धनात्मक होता है, एक्स डैश का मान ऋणात्मक होता है, वाई का मान, वाई जो है ऊर्ध्वाधर में धनात्मक, वाई डैश का मान ये तो पता हो गया, ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। आगे चलिए, पी एक्स वन वाई वन और क्यू एक्स टू वाई टू स्थित है, पी से पीएम लंब, पी से पीएम, यानी कोई ना कोई पीएम जो है वो गिरा है, पीएम साहब किसका गिरा है वो लिख लीजिए, यहाँ से लेकर वैसे ना ये पीएम गिरा गिरा है, अच्छा उसके बाद देखिए क्यू से, इसे क्यू से क्यू वन लंब ओ एक्स, क्यू वन गिरा हुआ, क्यू वन देखो यहाँ से, क्यू वन गिरा देखो ओ एक्स पर देखो, देखो ना अरे भैया यहाँ से ओ एक्स है ना, गिरा कि नहीं, देखो जो गिरेगा ऊपर रहेगा, जो जो जिस पर गिरेगा वो नीचे रहेगा, जो संभालेगा वो नीचे रहेगा, जो खा रहेगा वो ऊपर रहेगा। और फिर पी पी आर नाम गिरा है, डाला देखिए पी आर गिरा है, पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर पूरा पी आर कौन बोर्ड में ऐसे भी आ सकता है, सावधान रहिएगा ऐसे में। अब सर जी ने बताए हैं एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ऐसे भी बोर्ड में देता है कभी कभी, देखो यहाँ एक्स टू माइनस वाई था ना, यहाँ पर वाई एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू, मान लीजिए यहाँ दिया है पी क्यू आर, हमें चाहिए पी आर, बोलो क्या लॉजिक है? पी क्यू माइनस पी आर दिया है ना, निकालना है स्क्वायर, तो हम लिखेंगे पी क्यू पहले पूरा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये ना बताया यहाँ पर हुआ है, मान लो कि यहाँ से लिखा है क्यू आर ई आर, यही ने भरा पाई है, तो हमको क्यू आर चाहिए, कहते क्यू आर, तो पढ़ता पहले क्यू वन हो जाएगा माइनस आर, बोलो हुआ है कि नहीं यहाँ पे, देखिए यहाँ से है ना, यहाँ से पाइथागोरस लगाओगे, कर्ण बराबर बड़ी संख्या प्लस।